हाय फ्रेंड, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज CLA 200 कंप्लीट सर्विस के लिए आई है। आज हम इसका कंप्लीट सर्विस करेंगे। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मर्सिडीज का सी क्लास का 200 का ब्रेक पैड ओपन किया है। ये इसका ब्रेक पैड आगे का अच्छा है, आप देख सकते हैं थिकनेस 80% है। तो हम इसे पॉलिश पेपर मार कर इसे ही रिपीट में फिट करेंगे। और इसका जो कैलिपर का पिन है, ये देख सकते हैं, इसे भी हमने ग्रीसिंग कर चुका है। देख सकते हैं फ्री है पिन। गाइस, आपसे एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप कभी ब्रेक पैड ओपन करेंगे चेक करने के लिए, तो इसका पिन जो है इसे चेक कर लीजिएगा। अगर ये पिन अगर आपका कोई भी जाम रहेगा, अगर ऐसा अंदर बाहर नहीं होता रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, तो आपका अंदर का जो ब्रेक पैड है वो खा जाएगा। आपका बाहर का ब्रेक पैड अच्छा रहेगा, अंदर का ब्रेक पैड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आप प्लीज़ इस पिन को कभी भी ब्रेक पैड चेंज करने के लिए आप ओपन करेंगे तो इसे दोनों को पिन को ऊपर नीचे को चेक कर लीजिएगा। इसका हमने ऑयल भी चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल खोल के रखा है। देख सकते हैं ये इसका जूना ऑयल है, ये देख सकते हैं। ऑयल की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये इसका ऑयल फिल्टर है जो हमने ओपन करके रखा है। ऑयल फिल्टर हम आपको बताते हैं कि किधर आता है। देख सकते हैं ये जो ब्रेक बूस्टर आता है अपना मर्सिडीज का ब्रेक बूस्टर, उसके साइड में ऑयल फिल्टर दिया रहता है। देख सकते हैं फ्रेंड, हम आपको थोड़ा नज़दीकी से दिखा रहे हैं। ब्रेक बूस्टर के बाजू में इसका ऑयल फिल्टर दिया रहता है, यहाँ से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड, हम आगे का ब्रेक पैड इसे ही पॉलिश पेपर मार के लगाएंगे, और पीछे का ब्रेक पैड है वो उसे अभी हम ओपन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसे आगे का ब्रेक पैड का सर्विस कर चुका है। अब इसका रियर ब्रेक पैड सर्विस करने के लिए हम ओपन कर रहे हैं। इसमें हम आपको एक बात बताएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करके रखा है, क्योंकि अगर इसका इग्निशन आप ऑफ करेंगे तो जो पीछे का जो डिस्क है ये आपका रिलीज नहीं होगा, घूमेगा नहीं। जैसा कि गाइस हमने आपको बताया था कि इसका इग्निशन ऑन रखेंगे तो ही आपका जो ये डिस्क है ये फ्री घूमेगा, नहीं तो ये जाम हो जाएगा, ये ऐसा फ्री नहीं घूमेगा, आप देख सकते हैं। अगर आप इसका इग्निशन ऑफ करके कैलिपर को ओपन करेंगे तो आपका कैलिपर ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कभी भी अगर पीछे का ब्रेक पैड चेंज करना रहेगा या कैलिपर ओपन करना रहेगा तो इसका इग्निशन ऑन करके ही करिएगा। और ये कैलिपर आपने ओपन कर दिया है तो इसे भूल से भी इसका इग्निशन ऑफ मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो पिस्टन है ये आपका ऑटोमेटिक बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेक फेल हो जाएगा। तो आप ये बात को ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पीछे का ब्रेक पैड चेंज करना रहेगा तो इसका इग्निशन ऑन करके ही करिएगा। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारा पीछे का भी ब्रेक पैड अच्छा है, हम इसे पॉलिश पेपर मार कर लगा रहे हैं। हमारा आगे का पीछे का दोनों ब्रेक पैड अच्छा है, हम इसे वैसे ही पॉलिश पेपर मार कर और पिन ग्रीसिंग करके और इसे रिपीट फिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे कैलिपर भी ओपन करके रखा है। आपको गाइस जो मैंने बात बोला था उसे याद रखिएगा, इसका आपने कैलिपर ओपन किया है तो इसका भूल से भी स्विच ऑफ मत कीजिएगा। अगर इग्निशन आप ऑफ करते हैं तो आपका जो पिस्टन है बाहर आ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसका कैलिपर फिट कर रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका लेफ्ट साइड का कैलिपर फिट कर दिया है, अब राइट साइड का फिट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड का कैलिपर फिट कर दिया है और ब्रेक पैड भी फिट कर दिया है, अब हम राइट साइड का ब्रेक पैड फिट कर रहे हैं उसे पॉलिश पेपर मारकर, क्योंकि हमारा ब्रेक पैड अच्छा है इसके लिए हम उसे पॉलिश पेपर मारकर और पिन ग्रीसिंग करके उसे फिट कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने अभी भी इसका इग्निशन ऑन करके रखा है, हमने ऑफ नहीं किया है क्योंकि फिटिंग करने के बाद ही इसे इसका इग्निशन हम ऑफ करेंगे। आपको हम दिखाते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड हमने अभी भी ऑन करके रखा है इग्निशन। इसके कैलिपर में फ्रेंड 13 नंबर का बोल्ट आता है। देख सकते हैं फ्रेंड इसमें 13 नंबर का बोल्ट भी आता है और एक 19 नंबर का भी बोल्ट आता है। अगर घूमता रहेगा आपका तो 19 नंबर के फिक्स पाने से आप इसे लॉक करके 13 नंबर का बोल्ट टाइट कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जैसा फ्री घूम रहा है, अभी हम आपको इग्निशन ऑफ करके दिखाते हैं कैसा जाम होता है। देख सकते हैं फ्रेंड अब हम इसका इग्निशन ऑफ करते हैं, ये देखिए ये इसका इग्निशन हमने ऑफ कर दिया है, ये अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका डिस्क लॉक हो चुका है। तो बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कभी भी इसका इग्निशन ऑफ करके कैलिपर को बाहर नहीं निकालिएगा, नहीं तो आपका कैलिपर बाहर नहीं आएगा। कभी भी इसका इग्निशन ऑन करके ही कैलिपर को बाहर निकालिएगा, ब्रेक पैड चेंज कीजिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड ये हमारा पीछे का ब्रेक पैड ब्रेक सर्विस हो चुका है, पीछे के व्हील का, आगे के भी व्हील का हमारा ब्रेक सर्विस हो चुका है। इसका हमने एयर फिल्टर को भी हवा मार के लगा दिया है, इसके अंदर एयर फिल्टर आता है, T25 का 4 लंकी खोलेंगे तो आपका एयर फिल्टर बाहर आएगा। एयर फिल्टर को भी हमने हवा मार के क्लीन करके लगा चुका है, देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका ऑयल भी ओपन करके रखा है, इसका ऑयल फिल्टर भी ओपन करके रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको दिखाते हैं, हमने इसका ब्रेक ऑयल का लेवल भी चेक किया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से फुल है। इसका कूलेंट लेवल भी हमने चेक किया है, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 लीटर कूलेंट टॉप अप करेंगे, उसके इसका कूलेंट का जो ग्रेविटी है वो लो हो चुका है,
हम इसे 1 लीटर कूलेंट ड्रॉप करके, आप देख सकते हैं इसमें से हम 1 लीटर कूलेंट ड्रेन करेंगे और इसमें 1 लीटर कूलेंट नया टॉप अप करेंगे, क्योंकि इसका कूलेंट का जो ग्रेविटी है ये लो हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी जैसा दिख रहा है। ब्रेक ऑयल ऑलरेडी हमने टॉप अप कर चुका है, ये इसका हमने एसी फिल्टर भी ओपन किया है। आप देख सकते हैं एसी फिल्टर पूरी तरह से चॉकअप है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं पूरी तरह से चॉकअप हो चुका है। एसी फिल्टर चॉकअप होने से क्या होगा, आपके कूलिंग में प्रॉब्लम देगा, आपका कूलिंग और हवा जो ब्लोअर से आता है वो लो आएगा, इसलिए हम इसका एसी फिल्टर रिप्लेस करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका कूलेंट ड्रेन कर दिया है, अब हम इसमें टॉप अप कर रहे हैं। हम इसमें 2 लीटर कूलेंट टॉप अप करेंगे और आपको टॉप अप करके दिखाएंगे। इसमें 2 लीटर कूलेंट टॉप अप कर दिया है, ये देख सकते हैं आप कूलेंट, और इसका लेबल भी देख सकते हैं। चलिए कैप लगा दीजिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये मर्सिडीज सी क्लास 200 का ऑयल फिल्टर हमने ओपन किया है। आप देख सकते हैं इसका जो रिंग है, आप कभी भी फिल्टर ओपन करेंगे चेंज करने के लिए तो इसका रिंग जो है नया डाल दीजिएगा, कभी भी जूना रिंग मत डालिएगा। अगर जूना रिंग पे आप नया ऑयल फिल्टर लगा के फिटिंग करते हैं तो इसका इंजन ऑयल लीक होने की संभावना है, जिससे आपका इंजन भी सीज हो सकता है और रास्ते में आपका गाड़ी भी ख़राब हो सकता है। इसके लिए आप कभी भी इसका रिंग चेंज कीजिएगा, हम भी आपको चेंज करके दिखाएंगे इसका नया रिंग। हम भी ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं और नया रिंग रिप्लेस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इसका नया रिंग। ये जूना वाला रिंग निकालिए, ये इसका नया रिंग है, आप देख सकते हैं। हम आपको इसको एक्सचेंज करके दिखाएंगे। नया रिंग बिठाइए, इसमें नया फिल्टर बिठाइए, देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है, ऑयल फिल्टर, और इसका रिंग भी नया एक्सचेंज कर दिया है, देख सकते हैं आप। आप कभी भी फिल्टर चेंज करेंगे तो इसका रिंग चेंज कर दीजिएगा। अभी हम आप इसको बिठा कर दिखाते हैं कि फिल्टर किधर फिट होता है। ये फ्रेंड बूस्टर के बाजू में जो ब्रेक बूस्टर रहता है उसके बाजू में नीचे लगता है, आपको हम इसे फिट करके दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं फ्रेंड हमने ऑयल फिल्टर फिट कर दिया है, इसका हमने एसी फिल्टर भी नया मंगाया है। एसी फिल्टर ओपन करो, ये इसका न्यू एसी फिल्टर है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका एसी फिल्टर भी रिप्लेस कर रहे हैं, ये देखिए न्यू वाला लगा रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका एसी फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है, ये ग्लू बॉक्स के नीचे अंदर आता है, कहाँ पे फिट होता है ये भी हमने आपको दिखा दिया है।
ये देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका ऑयल फिल्टर भी फिट कर दिया है। अब इसमें हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं। इंजन ऑयल डालने के बाद फिर लेवल चेक करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट सर्विस का पूरा काम हो चुका है। हमने टायर वायर भी लगा दिया है, गाड़ी को डाउन भी कर दिया है, व्हील भी चारों टाइट हो चुका है। सिर्फ सर्विस का काम बाकी है, गाड़ी वॉश करने का है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, गाड़ी चालू कीजिए। ये देख सकते हैं हमने गाड़ी को चालू किया है, आपको रेस करके दिखाते हैं। रेस करो, देख सकते हैं फ्रेंड इंजन की फायरिंग और इसका साउंड। यह हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा हो चुका है। हम आपको इसमें बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। हमने इसका एयर फिल्टर चेक किया था, जिसमें एयर फिल्टर अच्छा था तो हमने उसे हवा मार कर क्लीन करके फिट कर दिया है। और इसका एसी फिल्टर भी हमने चेक किया था तो चौकअप था, इसके लिए बहुत ज़्यादा चौकअप था तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस किया है, इंजन ऑयल रिप्लेस किया है, कूलेंट 2 लीटर टॉपअप किया है, ब्रेक ऑयल चेक किया है। इसका जितनी लाइटिंग आती है लाइटिंग भी हमने चेक किया है, आप देख सकते हैं। और इसका चारों जो पावर विंडो रहता है वो भी हम लोग कंप्लीट सर्विस में चेक करते हैं, आपको हम चेक करके दिखाते हैं। अंसारी जी, इसका चारों विंडो डाउन ऑफ कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, पीछे का देख सकते हैं फ्रेंड, पावर विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको राइट साइड का दिखाते हैं। राइट साइड का भी कीजिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, रियर का सारी लाइटिंग है चालू कीजिए, सारी लाइटिंग है चालू कीजिए। अपर डिपर मारिए, देख सकते हैं फ्रेंड हम अपर डिपर भी मार के चेक कर रहे हैं। ब्रेक मारो, ये सारे लाइटिंग बंद करो, ब्रेक मारो, ओके। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है। हमने आपको इसमें बता दिया हमने यहाँ पे कंप्लीट सर्विस में क्या क्या काम किया है। हमारे पास ये सारी कामें, काम आने के बाद गाड़ी सारी चीज़ें चेक किया जाता है। बैटरी पानी भी हमने इसका चेक किया है, चारों पावर विंडो, फुल लाइटिंग और जितने भी इंजन पार्ट आते हैं हमने सारे चेक किया है, इसका अल्टरनेटर बेल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे काम हमने ये मर्सिडीज में किया हुआ है, जैसा कि आपके सामने है। वाइपर मारने के लिए बोल रहा हूँ, वाइपर स्प्रे करो, ओके बराबर है। ठीक है गाइस, तो हमने आपको इसकी सारी जो जो काम किया है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।